अपने 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 1000 लोग जुड़ गए मेरे चैनल से। कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है। क्या कहोगे ऑडियंस से? क्या मिलेगा तुझे? मुझे मिलेगा मोटा पैसा। हमें? तुम्हें? अरे जो मेरा हो तुम्हारा। बताओ। तो भाई क्या मौसम होने लग रहा है सुबह सुबह। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई टाइम हो रहा है 11:30। मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, डैडी भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और घर हमेशा की तरह फैला हुआ है। तो अभी निकल रही है, मेरे को डैडी को ऑफिस ड्रॉप करना है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई हमें जाना है एक बार घर, क्योंकि जो मेरी बहन है ना, मतलब ताऊ जी की लड़की, उसका ऑपरेशन हुआ। और देखो कैमरा खोलते के साथ फिर इतनी दिक्कत क्या है भाई, ये बता। जब भी मैं कैमरा खोलता तो तभी क्यों आता है मेरे पास भाई? इसे फेमस होना, इसे फेमस कर दो आप लोग। तो रेक्स रुक जा, बस भाई बस नहीं चाहिए और प्यार तेरा। अरे कितना बदतमीजी देख रहे हो, अब रुक जा तो बस रुक। रेक्स, तो मेरी जो बहन है ना, ये इसका चल रहा है, तो जो मेरी बहन है ना, मतलब ताऊजी की लड़की, उसका ऑपरेशन हुआ है तो उसे भी देखने जाना है। तो इसी बहाने बड़ी मम्मी और से भी मिले आएंगे, यानी दादी से। और भाई सच में यार मौसम बहुत सही हो रहा है, देख रहे हो वहाँ पे एक वो लेयर सी बन गई है क्लाउड की, और सुबह से बारिश होने लग रही थी, मुझे लग नहीं रहा था कि हम जाएंगे पर हो गया। और कितनी प्यारी बेटी है मेरी, कितनी प्यारी बेटी है। आ जा, पूरे दिन घर में भक्ता डोलता, पूरे दिन कुछ काम नहीं, बस यही है, पूरे दिन भगवा लो इससे घर में। तो अभी निकलते यार जल्दी से, 11:30 हो गए हैं। तो भाई फाइनली निकल चुके हैं और बाकी वैगनार लेके जा रहे हैं। आज साफ करवा दिया भाई वैगनार मैंने, जो आदमी कपड़ा मारता ना तो कहती देखो चमक रही है आज। ऐसा एक चीज़ बताऊँ, तो ये देखो यार ये पानी फिर से गिरने लगा, ये डैडी देखो उतर जाए। अरे ये तो पूरा ऑरेंज ऑरेंज हो गया, इसे आगे करूँगा। ये देखिए ये वाइपर कहाँ पर, चलो इसको पीछे, इसे पीछे कर दूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे सैनिटाइजर छूट जाएगा, उसमें अल्कोहल होती है ना। इसे एक बार डैडी इसका वो गिराना, शीशा साफ, अंदर से रुक जाओ भाई, ये भी साफ करना पड़ेगा, अंदर से साफ करवानी भूल गया यार, शिट मैन। We were doing alright, holding on but I'm losing the fight. तो भाई डैडी को फाइनली ड्रॉप कर दिया हमने ऑफिस पे और अब हम निकल रहे हैं बादशाहपुर की तरफ, मतलब अब निकल रहा मैं घर की तरफ। चले, ओहो भाई बारिश होने के बाद यार जाम सा हो जाता है सोना रोड पे है ना मम्मी। हाँ बारिश जो है, बताओ क्या, एक तो गुड़गांव में ये सीन होता है कि भाई थोड़ी सी बारिश पड़ी और पूरा गुड़गांव स्विमिंग पूल बन जाता है, बारिश आ जाती है यहाँ पे। भाई फाइनली घर पहुँच गए, अब अंदर चलते हैं। ओ अरे कहाँ हो सारे, धप्पा कर दिया ना आके एकदम से। बड़ा मैं मतलब लाइट जला रखी भाई, बड़ा मैं ध्यान ना पड़वा, मस्त हम बोलने लग रहे। और कैसे हो बड़ी मम्मी? बढ़िया। ठीक हो आप? ठीक हो बड़ा पापा? हैं मम्मी को ले आके देता, चौकी तुम ठीक हो बड़ा पापा? चल कर दिखाइए एक बार। चल तो ठीक हूँ, चलने में कोई दिक्कत ना है, बस क्या है ना इसमें थोड़ी थोड़ी सूजन सी है अभी, सूजन राय की वजह से सेटलमेंट होगी। क्यों ना, थेरेपी कही, अब वो डॉक्टर क्या, वो वैक्स थेरेपी की भी कही उसने, तो वैक्स लेकर आया वो, अरे वो निकली है नकली वाली चल रही है ना ग्रीस वाली, अरे बाल है भाई बड़ी मम्मी। कब चल रहे वृंदावन? अब तो अगस्त भी होगी, देख लो अगले तुम प्लान बना लो निकलने का। अरे चलो ना यार, सारे जने चलते हैं ना, जब तुम चलोगे तुम्हारी मैं भी चल दूंगा। अच्छा ये बताओ सुनो, अपने 1000 सब्सक्राइबर हो गए, 1000 लोग जुड़ गए मेरे चैनल से, कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा है। क्या कहोगे ऑडियंस से? क्या मिलेगा तुझे? मुझे मिलेगा मोटा पैसा। हमें? तुम्हें? अरे जो मेरा हो तुम्हारा। बताओ देखी क्या यार, कैसी बात कर तुम और मैं, कोई अलग थोड़ी है। हाँ तो बहुत मोटा पैसा मिलेगा,
तब कह तो दो कि और ज्यादा शेयर मारे करो वीडियो है भाई। तो बहुत बड़ा है लोग खा लें तो बेचारे खाना खा लें तो भाई इनका ऑपरेशन हुआ था अब ठीक है फिलहाल। अरे इसे देखो चक्कर कर रहा है, इसे देखो एक बार है ना क्या कर रहा है। धूप पत्ती से खेलने की चीज होती है कोई है, ये कोई खेलने की चीज है अपनी मस्ती मस्त है। तो भाई अभी मम्मी और गए हैं बाजार सामान वामान लेने थोड़े कुछ और फिर यहाँ से निकलते क्योंकि 3 बज गए हैं, 3:30 तक माई आएगी तो अभी निकलते हैं यार यहाँ से। फिर काफी देर से बातचीत कर रहे थे, 1:30 बजे आ गए थे वैसे काम वाम निपटा के, 3 बज गए देखो है क्या हुआ, किसके शुगर हो गया, शुगर हो गया हमारी इज्जत में कुछ ना कुछ दिक्कत चलती है शुरुआत हुई है तो अभी तक तो बड़ी मम्मी के भी तो है क्या सबके ये हमारे घर में लेटेस्ट न्यूज़ मिली है किसने दी कंट्रोल कर ले मैं अगर एक दो पॉइंट और बढ़ गया तो मेडिसिन शुरू हो जाएगी। वाओ और जिंदगी भर किया उसका इलाज ना है फिर कुछ बट मैं खुद कर लूंगा ना, गले भी खा है। ओ गॉड 1 साल से नहीं खाई मैंने, लट जम जाए ऐसा सब लट लो खर्चा पानी कर लो कुछ बड़ी मम्मी पार्टी तू देगा मैं क्यों दूंगा ना खर्चा पानी कर लो 1000 लोग देखो जुट गए अपनी गैल तो पार्टी देना फिर तू ठीक तो बोले बहन पैसे पड़े पड़े पार्टी तुम तो दे दो तुम तो कर लो खर्चा पानी कुछ आज फिर खवा दे भाई शुगर हो रखा है इन्हें और फिर भी नहीं मानती है, तेज नमक खाती है और सारी मीठी चीजें नमक चट्टे भाई जीव सही बात है क्या होगा बड़ी मम्मी तुम्हारे ये बताओ लोग लड्डू में खाओ क्या यार ले हमारे खा ले पहले भाई सही बता रहा हूँ खाओ तुम लो मौज लो हद यार तुम्हारी बड़ी में मीठा तुम खाओ और बड़ी शुगर तुम्हारी ना बढ़ेगी तो हमारे बढ़ेगी तुम खाओ मैं ना खा रहा हद है भाई थोड़ी बताओ इन चीजों पे कंट्रोल करो। एक टाइम तो मैं मीठा लेके मेरे मुंह में पानी आता लेकिन अब तेरे भी तो बताइए शुगर बताओ कंट्रोल करो मानो अगर ज्यादा दिक्कत पड़ेगी ना ऐब हो जाएगा फिर खाने को अगर दिक्कत हो ना तो डॉक्टर को ये बोलना कि दवाई नहीं इनको थोड़ा मीठा खाने के बोले हां हैं ऊंट में क्या भाई हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार है मतलब इतना मीठा पसंद है क्या हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो। तो भाई फाइनली अभी निकल चुके हैं घर से और काफ़ी टाइम लगा दिया इन्होंने मम्मी और मौसी को भी बाजार जाना था बाकी वरना ठीक हो गया आ गया भाई अपने और क्या कहते हैं एक और चीज़ अब जल्दी से घर पहुँचूँ क्योंकि माँ ही आ चुकी है घर पे तो उसे भी खाना वाना करना वो वैसे अपनी जो हमारे साइड वाले नेबर हैं उनके वहाँ बैठे हुए तो अभी जल्दी से घर पहुँचते हैं। यार बारिश की वजह से देखो भाई पानी वानी क्या क्या नहीं भर गया ये बताओ यहाँ की ना गलियाँ थोड़ी छोटी छोटी सी हैं तो यहाँ पर क्या है बारिश आती है ना पानी भर जाता है। दूसरी चीज़ ये भाई जाम लग जाता है गाड़ी फंस जाती है छोटी छोटी गली है ना तो इस वजह से गाँव में तो यही होता भाई तो दिक्कत नहीं भाई गाड़ी मैंने थोड़ी आगे खड़ी करी थी घर से देखो मैं आपको दिखाऊं तो ये वो खड़ी वहाँ पे जाओ वो रही अपनी रानी। तो भाई अभी हम घर की तरफ जा रहे थे और डैडी का फ़ोन आया कि भाई मेरे को भी साथ ले ही चलो तो अभी डैडी की ऑफिस की साइड जा रहा हूँ मैं उन्हें पिक करने के लिए। और भाई साहब जाम कितना है यार एक तो बताओ क्या त्योहारों का माहौल सा चल रहा है मतलब आने वाले दिनों में त्यौहार है ना तो इस वजह से जाम वाम बहुत और भाई बाकी साइड शीशे पे देखो भाई अभी एक सीन हो गया मतलब डैडी और मम्मी में किसी बात मतलब कोई बात चलने लग रही थी तो मम्मी उस चीज़ में डैडी से कह रही कि तुम खुश नहीं हो, डैडी कह रहे कि अब खुशी के मैं भंगड़ा करके दिखाऊँ गाड़ी रोक के तो मैंने रोक दी साइड में गाड़ी और डैडी ना नीचे उतर के ना भंगड़ा करने लगे। डैडी को फिर से करके दिखाना अबे एक मौके मौके की बात होती है मौके मौके की बात बहुत कुछ नहीं है एक बार करके बात की बात थी मैंने करके दिखा दिया मम्मी फिर से कह दो ना एक बार और खुश नहीं हो रही तुम
बार बार यही करता रहूंगा और क्या, जनता ने थोड़ी देखा यार, जनता को तो किस दिन मैं नाच के दिखाऊंगा बढ़िया तरीके से। भाई 1K वो 100K करवा दो, 100K मेरा भंगड़ा देख। जनता भी कहते हैं ख्वाहिश ज्यादा नहीं बढ़ रही है थोड़ी तुम्हारी, थोड़ा लिमिट ख्वाहिशें रखेंगे जब भी तो कुछ मिलेगा। जनता भी तो हमारी ख्वाहिशें देख के पूरी कर रही है। वैसे बात तो भाई बिल्कुल सही है, हमने जो जनता से नहीं मांग रहे तो और किससे मांगेंगे ये बताओ, जनता से ही तो मांगेंगे ना सब कुछ। अरे भाई तो कितने शांति से यार निकल के जा रहा अपना वाला भाई साहब, अगर ऐसे छोड़ दो ना कूद जाता। एक बार डैडी गाड़ी से कूद गया था ना जब दिवाली पे जाने लग रहे थे हम नानी के यहाँ पे, हाँ निकल गया था। ओ भाई साहब हम पेट्रोल भरवाने लग रहे थे गाड़ी से और एकदम से कूद के माशे जी नीचे आ गए, पर माई के हाथ में वो लीश थी उसकी जिसकी वजह से वो लटक गया, तो भाई उस दिन पार जाता। और एक बार और घर से ये भाग गया था, बड़ी मुश्किल से हमने इसे पकड़ा था उस दिन। भाई कोई दिक्कत नहीं, सोसाइटी के पास आ चुके हैं और यार कीचड़ कितनी हो रही है। ये चीज़ तो है कि भाई गुड़गांव में ना जिस दिन बारिश हो जाती है ना आधे घंटे को भी, उस दिन इतनी कीचड़ हो जाती है ऐसा लगता है जैसे बाढ़ आ गई हो यहाँ पे। तो भाई फाइनली हम घर आ गए थे और उसके बाद आके मैंने कुछ खाया हुआ है कि मेरा भूख लगने लग रही थी। और बाकी अभी टाइम हो रहा है 6:30 हो गए हैं, अब मैं जाने लग रहा हूँ स्विमिंग के लिए। वैसे तो मैं 7:30 के आसपास जाता, पर बताओ क्या हुआ, अब मेरे एग्ज़ाम्स पास आने लग रहे हैं भाई, मेरे को उसके लिए भी टाइम निकालना अपनी प्रिपरेशन के लिए। बाकी मंडे से रेगुलर जाना शुरू कर दूँगा मैं, आई होप जाऊँ मंडे से रेगुलर इंस्टीट्यूट। और अभी जा रहा हूँ मैं स्विमिंग के लिए, 1-1.5 घंटा स्विमिंग करके आएंगे। पहले तो भाई ये होता था कि 7 बजे जाया करता था और 9 या 9:30 तक आया करता था मैं, मतलब इतनी देर तक हम स्विमिंग करा करते थे भाई। पर अब थोड़ा सही होना पड़ेगा, थोड़ा जो हमारा अभी ये ना रूटीन बिगड़ा पड़ा है उस रूटीन को भी थोड़ा सेट करेंगे। और बाकी अभी धीरे धीरे करके मैं जल्दी सोने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि भाई लेट सोने की वजह से ना सारी चीज़ें ख़राब होता है। लेट सोता हूँ तो लेट उठता हूँ, फिर दिन कब कब में निकल जाता भाई पता ही नहीं चलता। अब धीरे धीरे करके मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँगा। आज मैं उठ गया था 9:30 बजे, तो हाँ इसे थोड़ा और अभी पहले लेके आना है, 8:30 बजे तक मेरे को उठना है। और बाकी यार कितनी तेज चीज चला रहा है पता है, ब्लॉग करने लगा हूँ पर स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं स्विमिंग करने जाता हूँ और फिर आपसे आके मिलता हूँ। मैंने बैग तो रेडी कर लिया था। अरे कहाँ का बैग, कहाँ यार बताओ, बैग रख के भूल गया मैं। अरे मेरा बैग होगा देखना। तो भाई इसमें मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम है और अभी मैं जाना, बाकी मेरा फ़ोन यहीं पर छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे चेंजिंग रूम के लॉकर्स हैं ना स्विमिंग पूल के, भाई साहब वो ऐसे इतने अच्छे लॉकर्स हैं, मैं लॉक वाला सिस्टम नहीं है, तो फ़ोन मेरे को यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हाँ मिलते हैं आपसे आके। तो भाई मैं स्विमिंग विमिंग करके आ गया था और मैंने खाना वाना भी खा लिया। फिर उसके बाद हुआ क्या, मैंने ब्लॉग एंड करने की सोची पर हुआ ये कि मेरे को डैडी को एक बार ज़रा बाहर काम से जाना पड़ गया, तो फिर मैं ब्लॉग एंड करना भूल गया। और अब ना 12 बजने जा रहे हैं, तो हाँ अब ब्लॉग एंड करने लग रहा हूँ। अब मैं थोड़ी बहुत देर पहले ही आया था, फिर मैं रैक्स को घुमाने चला गया था डैडी साहब। तो व्लॉग एंड करना भाई बिल्कुल याद ही नहीं रहा, वो तो अब सच्चे सही बताऊँ अब एकदम से मेरे को याद आ गया, नहीं तो भाई ये व्लॉग एंड ही नहीं हो पाता, सुबह एंड करना पड़ता। तो हाँ इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। और क्या कहते हैं, जो मैंने 1K सेलिब्रेशन वाला व्लॉग डाला था भाई, सच में लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट किए और भाई कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, पूरा मेरी जो कमेंट बॉक्स है वो पूरा भर रखा है। बाकी Q&A की वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, और जो Q&A के क्वेश्चन है आप उसे पुट कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की ID है, इंस्टाग्राम का हैंडल क्या लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे, आप वहाँ पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। तो वहाँ पे आने वाले 1 या 2 दिनों में शायद आपको वहाँ पे क्वेश्चन का वो मिल जाएगा स्टिकर, ठीक है, तो आप उस पर वहाँ पे अपने सारे क्वेश्चन पुट कर सकते हो। तो भाई थोड़े ठीक ठीक से करना जिसका मैं जवाब दे सकूँ, ठीक है। तो हाँ इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है, आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।